नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। रीवा शहर के सट्टे का बाजार और कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है। यहां एक या दो नहीं बल्कि शहर के कई अलग अलग इलाकों में सट्टे के दर्जन भर अड्डे खुले हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अड्डे शहर की कोतवाली क्षेत्र में चल रहे हैं और यहाँ खुलेआम सट्टे की पर्चियां भी काटी जा रही है। कहा जाता है कि शहर का कोतवाली क्षेत्र सट्टे का सबसे बड़ा गढ़ है। बता दें कि एक दिन पूर्व ही तेज खबर 24 की टीम द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में कोतवाली क्षेत्र के घोघर स्थित ईदगाह के पास चल रहे सट्टे के अड्डे का खुलासा हुआ था, जिसके बाद आज हम आपको कोतवाली क्षेत्र के ही एक दूसरे अड्डे की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां पुलिस तो जाती है लेकिन देखकर वापस चली आती है। दरअसल आज हम आपको शहर की सब्जी मंडी में चल रहे सट्टे के कारोबार की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां सब्जी की आड़ में खुलेआम सट्टे की पर्ची काटने का कारोबार किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं सब्जी मंडी में चल रहे सट्टा कारोबार का हैरान कर देने वाला दृश्य। यह तस्वीर है शहर के सब्जी मंडी की, जहां सब्जी के कारोबार के साथ साथ सट्टे का भी कारोबार संचालित किया जा रहा है। यहां बिना किसी डर या भय के खुलेआम सट्टे की पर्चियां काटी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां सट्टे का खुला कारोबार किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस का इन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है। दरअसल पुलिस का संरक्षण देने का आरोप हम नहीं बल्कि यह तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। चूंकि जिस तरह से खुलेआम पर्चियां काटी जा रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यह सब कुछ पुलिस की सह पर चल रहा है। ये किसका सट्टा चल रहा है यार? किसका सट्टा है? नावेद का। नावेद कौन? नावेद कौन? नावेद नावेद उस्मान है, खान है। वो दिखाई काफी। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका राज है? राज। राज ये नावेद कौन है? नावेद उस्मान है। ये जगह कौन सी है? जगह सब्जी मंडी। कब से चल रहा है ये? चल रहा है अभी चार दिन। पुलिस नहीं आती है? आई है। क्या बोलती है? हो गया, देखी है, देख के चली गई। कितना लेती है पुलिस? कितना लेती है? हमसे नहीं, भैया हम नहीं जानते। वो देते काम करते हैं, काम करने वाले आदमी है भैया। और तो और सट्टा पर्ची काटने वाला भी कहता नजर आता है कि पुलिस यहां आती तो है लेकिन देखकर वापस चली जाती है। बहरहाल इन तस्वीरों में तो सिर्फ सट्टा पर्ची काटने वाले कारोबारियों के गुर्गे नजर आ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और ही है। पड़ताल के दौरान सामने आया कि सब्जी मंडी में तीन लोग मिलकर इस कारोबार को संचालित कर रहे हैं, जिसमें शमीम गोली, नावेद और सिब्बू नाम का शख्स शामिल है। वहीं सब्जी मंडी में ही खुलेआम शराब की बिक्री भी हो रही है, जिसके लिए बकायदा शराब की दुकान भी खुली हुई है। बता दें कि इस तरह से शहर में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों सट्टा पर्ची के अड्डे खुले हुए हैं, जिनमें कोतवाली के ही कटरा स्थित जैन मंदिर के पास पान मसाले की दुकान में सट्टा पर्ची काटी जा रही है। तो वहीं इसी तरह से निपनिया, घोघर और पिछिया के अहिरान मोहल्ले में भी सट्टे का कारोबार खुलेआम संचालित किया जा रहा है। इधर शहर के दूसरे छोर में रतहरा, इटौरा, चुराहटा, अमैया, ढेकहा, करहिया और बोदाबाग में भी सट्टे की दुकानें खुली हुई हैं। बहरहाल यह तो महज शहर में चल रहे एक सट्टे के अड्डे की तस्वीर थी, जो अभी सिर्फ ट्रेलर था। क्योंकि तेज खबर 24 इस तरह से एक एक कर उन तमाम अड्डों को दिखाएगा जहां खुलेआम इस तरह के अवैध कारोबार को संचालित किया जा रहा है, और पूरी पिक्चर दिखाना अभी बाकी है। बता दें कि तेज खबर 24 का इन खबरों को दिखाने का मकसद किसी पर आरोप या प्रत्यारोप लगाना नहीं बल्कि इस तरह के अवैध कारोबारों से पर्दा उठाना है, जो लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाकर उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर न सिर्फ डाका डालने का काम करता है
बल्कि उल्टा अमीर से उन्हें गरीब बनाने का काम कर रहा है। फिलहाल तेज खबर 24 जल्द ही शहर में चल रहे तमाम सट्टों के अड्डों के साथ साथ नशे के ठिकानों और शहर के ही अलग अलग इलाकों में चल रही सबसे बड़ी जुआ फड़का भी खुलासा करेगा। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में।